आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम श्रीकृष्णं शरणं मम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। एक बार शरणागति अपना लो तो इंसान निशंक हो जाता है। जैसे बच्चा माँ की गोद में होता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, अपने आप माँ उसकी चिंता करती है। तो कृष्ण माँ, कृष्ण पिता हमारी चिंता अवश्य करेंगे। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें कर्महीन हो जाना चाहिए। हम कर्म करेंगे और फिर शरणागति अपना लेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ आज 6 मार्च 2024 की आप सभी को देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आज चंद्रमा धनुराशि में रात्रि 8:27 तक, उसके बाद मकर राशि में। नक्षत्र है शुक्र का पूर्वाषाढ़ा, दोपहर 2:51 तक, उसके बाद सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। आज विजया स्मार्त एकादशी है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे कि गुरु के घर में चंद्रमा गुरु चांदनी जैसा योग बनाते हैं और उस पर से नक्षत्र जो है शुक्र का मिलता है, तो ये महालक्ष्मी योग किसे किसे फायदा देगा दोपहर 2:51 तक। मेष राशि। आपके लिए धनु राशि में चंद्रमा लाए हैं नए नए ऑफर्स, उन ऑफर्स से आपको पैसा भी मिलेगा और साथ साथ आज के दिन आपको काम के लिए दिमाग भी चलेगा, आपके नए नए आइडियाज चलेंगे, बच्चों से हेल्प मिलेगी, यात्राओं में शुभता होगी। वृषभ राशि। आपके लिए अब देखिए कई सारे उपाय जो आप चाहते थे कि आपकी तबीयत के लिए हों वो आपको मिल जाएंगे दोपहर को, और उसके बाद आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। उपाय संभल के कीजिएगा, माता पक्ष की तबीयत संभालिएगा और अपनी भी, साथ में विवाहित जीवन के साथी के साथ नो अनबन। मिथुन राशि। आपके लिए अब तबीयत अपनी संभालने का समय है, कल भी खराब थी, आज थोड़ा और संभालिए खुद को तो कल का दिन बेहतर होगा। आपको वैसे मैं बता दूं कि आज के दिन आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने से व्यवसाय में फायदा हो जाएगा, धंधा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो आप अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ सजग हो जाइए। कर्क राशि। कुछ ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड लोन के थे, कुछ ऐसे काम जो आप चाहते थे कि आपके परिवार वाले या आपका मामा पक्ष साथ में मिलकर बनाएं, तो वो दोपहर तक बन सकते हैं। उसके बाद वाला समय भी आपके लिए अति उत्तम है, धन आएगा, पैसा आएगा और आपके लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं। सिंह राशि। आपके लिए अब देखिए दोपहर बाद वाला समय तो बहुत ही उत्तम है, सुबह वाला थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है, बच्चों के साथ या अपने ही मन में उथल पुथल मच सकती है, तो संभल के ज़रा, और कामकाज व्यवसाय से रिलेटेड मित्रों के साथ कर रहे हैं तो उनके साथ थोड़ा संभल के कीजिए तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि। ऐसा होता है कई बार के माता पक्ष से इतना बड़ा लाभ हो जाए कि वो ही आपको पैसे दे दें, आज के दिन आपकी पौ बारा हो जाए। वैसे माता तो बचपन से ही संभालती हैं लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तब भी आपको उनसे फ़ायदा हो रहा है दोपहर तक, उसके बाद भी फायदा होगा लेकिन खर्चों के साथ, खर्चे सामने दिखेंगे। तुला राशि। दोपहर तक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, यात्राओं में बहुत लाभ हो सकता है, आपको लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों से उनका भी अच्छा हो सकता है। आपकी यात्रा में आपकी हिम्मत हौसला दोपहर तक खूब रहेगा, उसके बाद धन की चिंता हो सकती है। वृश्चिक राशि। आपके लिए कई सारे काम जो धन से रिलेटेड थे, संचित धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड थे, अपने बोलने चलने के काम से रिलेटेड थे, वो काम आपके थोड़ा सा थका सकते हैं आपको, लेकिन दोपहर बाद वाले समय में कामों से धन की प्राप्ति हो सकती है। धनु राशि।
आपके लिए दोपहर तक का समय थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा आपको बेचैनी रहेगी। उसके बाद वाला समय जो है आपको काम करने के लिए उद्यत करेगा, भागेंगे दौड़ेंगे, यात्रा पर निकलेंगे और साथ में बड़े बड़े ऑफर्स भी आ सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए अब विदेश रिलेटेड कामों में आपको फायदा हो सकता है दोपहर तक, और उसके बाद आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, अपनी तबीयत के लिए खर्चे भी हो सकते हैं, आराम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए दोपहर तक का पीरियड जो है आपको धन ला के देता है, काम ला के देता है, माता पक्ष से सपोर्ट भी देता है, और उसके बाद वाला पीरियड विवाहित जीवन के सपोर्ट से आगे बढ़ता है, अदरवाइज चिंता रहती है। मीन राशि, आपके लिए अब दोपहर वाला समय जो है वो ज्यादा फायदा देता है, आपको कामकाज देता है, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बना के देता है। सुबह वाला समय जो है आपको थोड़ी सी तबीयत की बेचैनी है, यात्राओं में बेचैनी दे सकता है, खाना पीना दवाइयां साथ लेकर चलें, फिर भी पैसा तो कमाएंगे आप। शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशन में सूर्य शुक्र को अस्त कर देते हैं और खुद भी बेचैन हो जाते हैं। याद रखें, जिनकी भी कुंडली में शुक्र सूर्य साथ में बैठे हों या किसी दिन बहुत ज़रूरी काम है उसी दिन दोनों नक्षत्र आ रहे हों, तो आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करने चाहिए या दुन दुर्गाय नमः का जाप करना चाहिए। ये परम उपाय है आपका आज के दिन। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। कैसा लग रहा है दिन? बढ़िया जा रहा है? अगर बढ़िया नहीं जाता तो आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बहुत सारे काम करने हैं। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। सुनीता जी नंगलोई दिल्ली से लिखती हैं कि मेरा नंबर है एक और काम करते करते मेरा काम छूट गया है, तो क्या किया जाए? ये कई बार होता है सुनीता जी, एक जैसी जिंदगी हमेशा नहीं रहती। आपने जो नंबर दिया है उसके अनुसार आपका काम 2 महीने के अंदर सब ठीक हो जाना चाहिए। मेहनत करिए, थोड़ी तकलीफ तो है, महामृत्युंजय के जाप करिए, सब अच्छा हो जाएगा। हो गया जी, इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।